आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। देखिए, आप जब भी रडारों पर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर बिल्कुल इस तरीके से आपके मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन होगा। सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरीज ओपन बाय डिफॉल्ट। सिंथेसिस रिपोर्टरीज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल इन रडारों पर सॉफ्टवेयर। आप जब भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो एक रिपोर्टरी आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट ओपन मिलेगी। जो भी रिपोर्टरी यहाँ ओपन होगी उसका नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे अभी हमें यहाँ पे सिंथेसिस अडोनिस का नेम डिस्प्ले हो रहा है, अगर कोई और रिपोर्टरी होती लाइक केन, बीबीसीआर, फाटक, मर्फी, तो आपको उन रिपोर्टरीज के नेम डिस्प्ले होते। अबव आइकन्स आर नोन एज आइकन बार और टूल बार। These icons are known as icon bar or toolbar, and these five icons which are present on the left hand side of your screen are known as primary icons. So basically, primary icons consist of references, remedies, repositories, references, patient management, remedies and families. आज का जो session है वो three parts में रहेगा। पहले part में मैं आपको ये five icons का एक छोटा सा introduction दूंगी, एक छोटा overview। उसके बाद मैं एक dummy case solve करूंगी। case को solve करने के साथ ही मैं आपको Ortega Miasmatic Analysis module के बारे में बताऊंगी। end में मैं searches part cover करूंगी। तो पहला icon है repositories। repositories पे click करते ही इस index में सारी repositories open हो चुकी हैं। इस इंडेक्स को हम बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। आपको वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले भी हो रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे इस टाइम सारी रिपोर्टरी ओपन हो चुकी हैं। सो रडार कम्स विद मोर देन 30+ रिपोर्टरीज इंक्लूडिंग सिंथेसिस। आपको कोई भी रिपोर्टरी यहाँ से सर्च करनी है, सो यू कैन सर्च बाय स्क्रॉलिंग लाइक दिस एल्स यू कैन सर्च विद द हेल्प ऑफ दिस सर्च बार, सर्च फॉर अ रिपोर्टरी। आप इस सर्च बार में अपनी रिपोर्टरी का नाम टाइप करेंगे तो भी आप रिपोर्टरी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। Now I'm going back to my primary icons. अब मैं second icon पे move कर रही हूँ, that is references. References icon पे click करते ही आपको इस table of content में सारा reference material मिलेगा radar open software का. So radar comes with more than 1600+ source material. आपको यहाँ पे materia medica दिख रहे हैं, you'll get multiple materia medica. After materia medica, as you scroll down, you'll get various keynotes. Then you'll get comparative materia medica, therapeutics. After therapeutics, you'll get provings, journals, clinical cases and dictionaries. Now I'm going back to my primary icons. The third one is patient management icon. मैंने थर्ड आइकन पे क्लिक किया तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में एक इंडेक्स ओपन हो चुका है। इस इंडेक्स में वो सारे केसेस हैं जो अब तक मैंने सॉफ्टवेयर की हेल्प से रजिस्टर करे हैं। अब आपको किसी नए पेशेंट का डाटा क्रिएट करना है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टू दिस पेशेंट मैनेजमेंट आइकन, देन यू विल गेट दिस क्रिएट अ न्यू पेशेंट ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप करेगी, जहां आपको दो बुलेट्स मिलेंगे, ह्यूमन केस एंड वेटनरी केस। सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप वेटनरी केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं ह्यूमन केस के एडमिनिस्ट्रेटिव पे जा रही हूँ। सो बेसिकली होता क्या है, व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक और हॉस्पिटल, फर्स्ट यू राइट डाउन द जर्नल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर पेशेंट बिफोर स्टार्टिंग योर केस टेकिंग। सो इन द सेम मैनर एडमिनिस्ट्रेशन आइकन हैव दीज थ्री आइकन्स। द फर्स्ट वन इज जर्नल इन्फॉर्मेशन आइकन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी इस तरीके से। यहाँ पे पेशेंट का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज मैंडेटरी टू फिल, रेस्ट इज ऑप्शनल। The second icon is person information icon. If you click on this person information icon, you'll get this person information window. आप यहाँ पे अपने patient की person information fill कर सकते हैं according to your case taking procedure. The third icon is invoices. With the help of this invoices icon, you will make bill and payments of your patient. Bill और payments बनाने के लिए हमें इस bottom में जो blue icon है इस पर click करना है। इस पर click करते ही you will get this invoices window on your main document screen. पेशेंट का नाम, डेट और टाइम आपको ऑटो जनरेटेड मिलेगा। अंडर द डिस्क्रिप्शन हेडिंग राइट डाउन द नेम ऑफ द रेमेडी दैट यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब, एल्स यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द डिजीज दैट यू हैव डायग्नोस्ड। अंडर द नेट अमाउंट हेडिंग आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर सकते हैं कि आप कितना अमाउंट अपने पेशेंट से चार्ज कर रहे हैं। एट द लास्ट यू विल गेट द टोटल ऑटोमेटिकली। अब आप इस प्रिंट रिसिप्ट का प्रिंट निकाल के भी अपने पेशेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं हैंड टू हैंड, या आप इसे अपने सिस्टम में सेव रख सकते हैं और अपने पेशेंट को सेंड भी कर सकते हैं वाया ईमेल। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। नाउ मूविंग ऑन कंसल्टेशन। कंसल्टेशन पे क्लिक करते ही ये कंसल्टेशन विंडो ओपन हो चुकी है। हमारा जो कंसल्टेशन है वो ब्लैंक पेपर फॉर्मेट में है। आप अपने पूरे कंसल्टेशन को यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, या फिर कोई प्राइमरी परफॉर्मा है तो आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सपोज माई पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ हेडेक which is aggravated by sun,
ये मेरे पेशेंट का सिम्टम है। अब केस पिकिंग के टाइम पे हमारे पास मल्टीपल सिम्टम होते हैं, आपको न्यू सिम्टम न्यू रो में ऐड करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आइकन अपैंड रो आइकन यू कैन ऐड मल्टीपल रो इन योर कंसल्टेशन। नाउ द नेक्स्ट आइकन इज डिलीट द करंट रो आइकन। जो रो आपने अभी ऐड करी है आप इनको डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस आइकन। डिलीट द करंट रो आइकन, योर रो विल बी डिलीटेड वन बाय वन, जैसे ऐड हुई है बिल्कुल उसी मैनर में ये डिलीट हो जाएंगी। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट आइकन, टैग इज फैमिली हिस्ट्री। विद द हेल्प ऑफ दिस आइकन यू कैन टैग फैमिली हिस्ट्री इन टू द कंसल्टेशन ऑफ योर पेशेंट। नेक्स्ट वन इज पास मेडिकल हिस्ट्री एंड द नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल हिस्ट्री। दीज थ्री आइकन्स आर ओनली फॉर टैगिंग पर्पज। एट द लास्ट यू विल गेट अटैचमेंट्स, यू विल गेट दिस आइकन एड एन अटैचमेंट टू द करेंट सिम्टम। इफ यू क्लिक ऑन दिस आइकन यू विल गेट दिस अटैचमेंट ऑप्शन। मैं आपको बताना चाहूंगी हमारा रडार ओपर सॉफ्टवेयर 5 वेरियंट्स में आता है। हमारा जो सबसे सुपीरियर पैकेज है दैट इज प्रो पैकेज। ये उसका फीचर है कि आप अपने पेशेंट की कंसल्टेशन में पेशेंट की कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स की इमेज, उसका कोई ओल्ड फॉलोअप है उसकी इमेज ऐड कर सकते हैं, ऑडियो फाइल ऐड कर सकते हैं अगर आपने टेलीफोनिक कंसल्टेशन लिया है या पेशेंट की कोई पर्टिकुलर ऑडियो है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। वीडियो फाइल, पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल यू कैन ऑल्सो ऐड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंसल्टेशन पार्ट। नाउ मूविंग टू प्रिस्क्रिप्शन। नीचे आपको प्रिस्क्रिप्शन आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे क्लिक करते ही ये प्रिस्क्रिप्शन विंडो ओपन हो जाएगी। आप प्रिस्क्रिप्शन का भी प्रिंट आउट निकाल के अपने पेशेंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। कंसल्टेशन डेट में डेट और टाइम यहाँ पे ऑटो जनरेटेड है। आप अगर फॉलो अप भी बनाएंगे तो भी आपको डेट और टाइम ऑटो जनरेटेड मिलेगा। अंडर द प्रिस्क्रिप्शन हेडिंग राइट डाउन द नेम ऑफ द रेमेडी दैट यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब। पोटेंसी में आप यहाँ पे पोटेंसी मेंशन करेंगे कि आप कौन सी पोटेंसी अपने पेशेंट को रिकमेंड करना चाह रहे हैं। स्केल, अगर आप कोई भी स्केल यूज कर रहे हैं लाइक सेंटेसिमल, मिलीसिमल, डेसिमल तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लिफ्ट दिस। पोसोलॉजी में आपको मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है कि आप किस तरीके से अपनी रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे, आपके डोजेस क्या है, रिपीटेशन क्या है। और लेबोरेटरी में आपको उस इन्वेस्टिगेशन का नाम लिखना है जो आप अपने पेशेंट को सजेस्ट करना चाहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थर्ड आइकन, पेशेंट मैनेजमेंट। नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय प्राइमरी आइकन्स। अब थर्ड आइकन है फोर्थ आइकन है रेमेडीज आइकन। रेमेडीज आइकन पे क्लिक करते ही देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में सारी रेमेडीज ओपन हो चुकी है। ये सारी रेमेडीज अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं। आप यहाँ से किसी भी रेमेडी को स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हैं या फिर लुक फॉर रेमेडीज में जाके सर्च बार में भी अपनी रेमेडी का नेम टाइप करके रेमेडी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। सपोज आपको सीपीआर रीड करनी है, आप सिर्फ सीपीआर के एब्रीवेशन लिखेंगे, सीपीआर नीचे डिस्प्ले हो रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे। सीपीआर ऑफिस एनालिसिस, मेरी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है विद अ मल्टीमीडिया इमेज। अब आप यहाँ से स्क्रॉल करके सीपीआर को रीड कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय प्राइमरी आइकन्स। द फिफ्थ वन इज फैमिलीज आइकन, लास्ट आइकन। फैमिलीज आइकन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सारी फैमिलीज की लिस्ट मिलेगी। रेमेडीज आइकन की तरह ये सारी फैमिलीज भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हैं। आप फैमिलीज को सर्च करते हैं बाय स्क्रॉलिंग या फिर लुक फॉर फैमिलीज में जाकर सर्च बार की हेल्प से भी सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको नोजोड फैमिली सर्च करनी है तो आप यहाँ पे सिर्फ नोजोड्स लिखेंगे, नोजोड फैमिलीज, मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सारे बबल नोजोड्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, 13 है यहाँ पे बबल नोजोड्स। अब इसमें इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ह्यूमन इसमें 40 रेमेडीज हैं, जूनोसिस में 21 रेमेडीज हैं, यहाँ पे डिजीज ऑफ एनिमल 5 रेमेडीज, तो आप इनको यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फैमिलीज आइकन की हेल्प से आप फैमिलीज को सर्च कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फैमिली में कितनी रेमेडीज हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज 5 प्राइमरी आइकन्स। ये मेरे 5 आइकन्स का जनरल ओवरव्यू था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है रिपोर्टराइजेशन। रिपोर्टराइजेशन पे मूव करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर अपने ऑल इन वन इंटरफेस के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है आप इसमें जो भी आइकन ओपन कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स में ओपन रहेंगे। जैसे यहाँ पे पेशेंट मैनेजमेंट आइकन ओपन है, यहाँ पे सीपी ऑफिस एनालिसिस ओपन है, यहाँ पे अडोनिस सॉरी फैमिलीज ओपन है, तो आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन टैप टू अनदर बाय सिंगल टैप ओनली लाइक दिस। अभी मैं सारे टैप क्लोज ही कर रही हूँ इस टाइम पे। अब मैं बिल्कुल बिगनिंग से आपको एक डमी केस का रिपोर्टराइजेशन करके दिखाऊंगी। रिपोर्टराइजेशन के लिए देखिए सबसे पहले हम रिपोर्टरीज आइकन पे क्लिक करेंगे। इस आइकन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में सारी रिपोर्टरीज डिस्प्ले हो रही हैं। आपको यहाँ से वो रिपोर्टरी चूज करनी है जिससे आज आप अपना रिपोर्टराइजेशन करना चाहेंगे। मैं तो आज जो रिपोर्टराइजेशन है वो सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी से करूंगी।
अडोनिस के नीचे आपको सिंथेसिस ट्रेजर एडिशन का भी नेम डिस्प्ले हो रहा है. सिंथेसिस ट्रेजर एडिशन का सक्सेसर वर्जन है सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी. ट्रेजर 2009 में आई थी, अडोनिस 2022 में आई है. सो द नंबर ऑफ रूब्रिक्स एंड रेमेडीज हैव बीन इंक्रीज्ड इन दिस अडोनिस. अब मैंने अडोनिस पे क्लिक किया, अडोनिस मेरी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है. इस रिपोर्टरी से रिपोर्टराइजेशन करने के लिए आई विल बी नीडिंग फ्यू आइकन. द फर्स्ट वन इज दिस बायनोक्यूलर फाइंड रूब्रिक. आप इस बायनोक्यूलर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेविगेशन विंडो मिलेगी. इन दिस नेविगेशन विंडो यू विल गेट ऑल द चैप्टर्स दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्टरी. आज का जो केस है वो एक डमी केस है, रूब्रिक मेरे सारे रैंडम रहेंगे. द फर्स्ट सिम्टम आई एम गोइंग टू टेक, पेशेंट इज आंसरिंग स्लोली. आंसर करना एक मेंटल सिम्टम है, सो आई एम गोइंग टू द माइंड चैप्टर. माइंड चैप्टर पे क्लिक करते ही यू विल गेट ऑल द रूब्रिक्स, दे ऑल आर अरेंज अल्फाबेटिकली. अब आप इनको यहाँ से स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हैं या फिर स्टार्ट टाइपिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द रूब्रिक यू विश टू सी. आप इस सर्च बार के फ्रंट में भी टाइप कर सकते हैं पेशेंट इज आंसरिंग स्लोली. आपको सिर्फ 3-4 लेटर्स लिखने हैं, यू विल गेट द रूब्रिक बिलो. रेस्ट ऑफ द रूब्रिक यू विल गेट बिलो आंसरिंग स्लोली. एंटर करेंगे रूब्रिक, मेरा मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन हुआ है फ्रॉम माइंड चैप्टर. आंसरिंग इज माय रूब्रिक, स्लोली इज माय सब रूब्रिक. सो वी हैव मल्टीपल क्लिपबोर्ड्स हियर, दे आर जस्ट लाइक अवर रिपर्टोरियल शीट. रिपोर्टराइजेशन के लिए हमें अपने रूब्रिक को क्लिपबोर्ड में ऐड करना है, उसका ऑटोमेटिकली रिपोर्टराइजेशन होगा. अब रूब्रिक को भी क्लिपबोर्ड में ऐड करने की 3 मेथड हैं. द फर्स्ट वन इज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग. विद द हेल्प ऑफ योर कर्सर यू कैन ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट. नेक्स्ट 2 मेथड मैं अपने सबसिक्वेंट रूब्रिक्स के साथ बताऊंगी. अगला सिम्टम है द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ थ्रोट पेन एंड हैविंग एग्रवेशन वाइल स्वॉलोइंग. सो आई एम गोइंग टू द थ्रोट चैप्टर फॉर थ्रोट पेन सिम्टम. अब आप यहाँ पर टाइप करेंगे पेन स्वॉलोइंग. सिर्फ 3-4 लेटर्स लिखने, यू विल गेट द रूब्रिक बिलो. एज आई टोल्ड यू एग्रवेशन इज ऑलरेडी मेंशन हियर, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे. ये रूब्रिक मेरा मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन हो चुका है. थ्रोट चैप्टर से पेन इज माई रूब्रिक, सलोइंग एग्रवेशन आर माई सब रूब्रिक. अब इस रूब्रिक को क्लिपबोर्ड में ऐड करने के लिए मैं अपने सेकेंड मैथड का यूज करूंगी. एंड माई सेकेंड मैथड इज प्लस बटन. मेरे कीबोर्ड में जो प्लस बटन है, आपके बैक स्पेस की साइड में कीबोर्ड में जो प्लस बटन है, आप उसको प्रेस करेंगे, रूब्रिक आपके क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा. तो ये हमारा सेकेंड मैथड था. अब नेक्स्ट सिम्टम मैं जो पेशेंट का लेने जा रही हूँ, पेशेंट को लेक्राइमेशन की प्रॉब्लम है सिर्फ डे टाइम में. लेक्राइमेशन सिम्टम के लिए हमें आई चैप्टर पे मूव करना है. अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे लेक्राइमेशन, 3-4 लेटर्स आर रिक्वायर्ड ओनली. लेक्राइमेशन डे टाइम ओनली, डे टाइम ओनली. आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, रूब्रिक आपकी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे बिल्कुल इस तरीके से ओपन हो जाएगा. फ्रॉम आई चैप्टर लेक्राइमेशन डे टाइम ओनली. अब इस रूब्रिक को क्लिपबोर्ड में ऐड करने के लिए मैं अपने थर्ड मेथड का यूज करूंगी. एंड माय थर्ड मेथड इज दिस आइकन, टेक द करंट रूब्रिक आइकन नेक्स्ट टू दिस बायनोक्यूलर. आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, रूब्रिक आपके क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा. तो हमारे 3 मेथड है. पहला था हमारा, फर्स्ट मेथड था ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग. इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे, ड्रॉप कर देंगे. सेकेंड था कीबोर्ड का प्लस बटन. और थर्ड मेथड है ये आइकन, टेक द करंट रूब्रिक आइकन. अब Now there are 2 scenarios in front of us. The first one, we first go to this navigation window and start searching our symptoms or rubrics from these chapters one by one. And the second scenario, when we are not sure in which chapter we will get our rubrics, so we will take the help of searches. In our software, we have 2 type of search engines, basic search or advanced search. Now the next symptom I'm going to search with the help of these both search engines. So type in English. This search bar is for basic search. अब मेरा नेक्स्ट सिम्टम मैं सर्च बार की हेल्प से सर्च करने जा रही हूँ. द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ कोराइजा. नाउ आई एम सिंपली टाइपिंग हेयर नोज कोराइजा. नो नीड टू गो टू एनी चैप्टर और फाइंड योर रूब्रिक्स सब रूब्रिक्स. जस्ट टेक द हेल्प ऑफ सर्चेस एंड यू गेट योर रूब्रिक डायरेक्टली. वेट अ मोमेंट, इस टाइम रेफरेंसेस सेक्शन में ओपन हुआ है. मैं से रिपोर्टरीज में मूव कर रही हूँ. आप जब भी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आपको हमेशा ये रिपोर्टरी सेक्शन में ही ओपन मिलेगा. अब यहाँ पे सारे रूब्रिक्स ओपन हो चुके हैं फ्रॉम नोज चैप्टर कोराइजा. और भी सब रूब्रिक्स आए हैं लाइक वन साइड, ऑल्टरनेटिंग साइड,
राइट बाथिंग आफ्टर राइट एक्सटेंडिंग टू. अब मैं इस जनरल रूब्रिक को अपनी क्लिप बोर्ड में एड कर रही हूँ, दैट इज फ्रॉम नोज चैप्टर नोज कोराइजन. आई एम गोइंग टू ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक सर्च. अब मैं मूव करूंगी एडवांस सर्च पे. एडवांस सर्च पे मूव करने के लिए वी हैव दिस सर्च आइकन इन द आइकन बार और टूल बार. क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टू द सर्च आइकन यू विल गेट दिस एडवांस सर्च ऑप्शन. क्लिक ऑन दिस एडवांस सर्च. मेरा मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन हो चुका है विद दीज फोर सर्च बार विद फोर डिफरेंट हेडिंग. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट सर्च बार सर्च वर्ड इन इंग्लिश आई एम गोइंग टू फाइंड माई नेक्स्ट सिम्टम. बेसिकली दैट इज माई लास्ट सिम्टम. सो द लास्ट सिम्टम ऑफ माई पेशेंट इज, ये फीमेल पेशेंट का केस है एंड माई पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ लिकोरिया, एक्रिड लिकोरिया. आई एम टाइपिंग हेयर लिकोरिया वन वर्ड इन वन सर्च बार. आफ्टर प्रेसिंग योर एंटर बटन टू टाइम्स यू विल गेट द नेक्स्ट सर्च बार एक्रिड. इसे आप दो बार एंटर करेंगे, रूब्रिक यहाँ ओपन हो चुका है फ्रॉम सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्ट्री. जैसे कि मैंने आपको बताया मैं अडोनिस से अपना रिपोर्टराइजेशन कर रही हूँ, इसलिए ये रूब्रिक बाय डिफॉल्ट अडोनिस रिपोर्ट्री से ही ओपन हुआ है. अब ये रूब्रिक ओपन हुआ है फ्रॉम फीमेल जेनिटेलिया सेक्स चैप्टर लिकोरिया एक्रिड एक्सकोरिएटिंग. और भी एसोसिएटेड रूब्रिक्स आए लाइक नाइट आफ्टर वर्ड एट फर्स्ट माइल चिल्ड्रन इन डिलीवरी आफ्टर डिनर आफ्टर. I'm going to add this first rubric into the clipboard that is from female genitalia sex chapter lecoria acrid excoriating. I'm going to drag it and drop it. Now I've taken all the rubrics. Ab aapko apne analysis pe jana hai, apne reporterization pe jana hai. So just click on this clipboard and you'll get your repertoria sheet, you'll get your reporterization, you'll get your chapters, rubrics, sub rubrics, you'll get your probable remedies as well as the grading. एक बार मैं आपको ग्रेडिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो वी हैव टेकन ऑल फाइव रूब्रिक्स है. सो एलिमिना कवर ऑल द फाइव रूब्रिक्स एंड द टोटल विल बी 13. अगर आप इन नंबर्स को प्लस करेंगे 3+3+3 1 3 द टोटल विल बी 13. इसी तरीके से लाइको कवर्स फाइव रूब्रिक्स ऑल द फाइव रूब्रिक्स एंड द टोटल इज 10. तो यहाँ पे हमारी ग्रेडिंग आ चुकी है जैसे मैनुअली हमारी ग्रेडिंग आती थी बिल्कुल उसी तरीके से. अब हमारी यहाँ पे प्रोबेबल रेमेडीज आ गई है. सपोज यू वांट टू रीड एनी रेमेडी फ्रॉम योर प्रोबेबल रेमेडी लिस्ट सो यू कैन ओपन इट डायरेक्टली बाय डबल क्लिक ऑन इट. लाइक आपको यहाँ पे जिंकम रीड करनी है, जिंकम मेटालिकम, जस्ट डबल क्लिक ऑन योर जिंकम मेटालिकम एंड योर जिंकम हैव ओपन ऑन योर मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन विद अ मल्टीमीडिया इमेज. अब आप यहाँ से स्क्रॉल करके जिंकम को रीड कर सकते हैं. I'm going back to my analysis. इस टैब में मेरा analysis open है. इस पर मैंने क्लिक किया and I'm coming back to my analysis. So this was all about reporterization. अभी मैंने आपको बताया कैसे आप रिपोर्ट्री में जाके नेविगेशन विंडो की हेल्प से अपने रूब्रिक्स को सर्च कर सकते हैं. हाउ यू कैन सर्च विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक सर्च बार एंड द लास्ट वन इज एडवांस सर्च. नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय एनालिसिस. ये था हमारा रिपोर्टराइजेशन पार्ट. अब मैं आपको कुछ आइकन्स के बारे में बताऊंगी एनालिसिस विंडो में. देखिए पहला आइकन है चेंज द एनालिसिस स्ट्रेटजी. आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस स्ट्रेटजी मिलेंगी लाइक सम ऑफ सिम्टम्स, सम ऑफ डिग्रीज, सम ऑफ सिम्टम एंड डिग्रीज, स्मॉल रेमेडीज. अगर आप स्मॉल रेमेडीज करेंगे तो आपको अपने रिपोर्टराइजेशन में सिर्फ स्मॉल रेमेडीज ही दिखेंगी, स्मॉल रूब्रिक्स में आपको स्मॉल रूब्रिक्स मिलेंगे. तो ये तो बेसिक एनालिसिस स्ट्रेटजी है. हमारे पास ये जो नीचे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं ये एडवांस एनालिसिस स्ट्रेटजी है जिसमें हमारे मॉड्यूल्स आते हैं. आज के एनालिसिस में हम एक मॉड्यूल डेमोंस्ट्रेट करेंगे दैट इज ऑर्टेगा मियाजमेटिक एनालिसिस टूल. इसकी हेल्प से आप अपने केस का मियाजमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं. मैंने इस पर क्लिक किया. इस पर क्लिक करते ही एक कन्फर्मेशन विंडो आएगी मेरे स्क्रीन पे. आपको इस पर ओके प्रेस करना है. इस पे ओके प्रेस करते ही देखिए आपके केस का मियाजमेटिक एनालिसिस हो चुका है. अब जैसे फर्स्ट क्लिपबोर्ड में यहाँ पे सारे 16 रूब्रिक्स आ चुके हैं. हमारा जो केस था हमने उसमें टोटल जो रूब्रिक्स लिए थे वो क्लिपबोर्ड्स के अकॉर्डिंग इस टाइम डिफरेंशिएट हुए हैं. फर्स्ट टैब में सारे 16 रूब्रिक्स आ चुके हैं और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 16 रेमेडीज आ गई है. सेकेंड क्लिपबोर्ड है उसमें अभी कोई भी साइकोटिक रूब्रिक हमने नहीं लिया था इसलिए यहाँ पे कोई साइकोटिक रूब्रिक हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है. थर्ड क्लिपबोर्ड में सिफिलिटिक रूब्रिक है लेकिन इस केस में कोई सिफिलिटिक रूब्रिक भी नहीं था. और थर्ड टैब में जो लास्ट टैब है फोर्थ टैब उसमें वो सारे रूब्रिक्स आ चुके हैं
जिनमें कोई मियाजमेटिक वैल्यू नहीं है. तो हमारे केस में जो आज 3 रूब्रिक्स थे वो सोरिक रूब्रिक्स थे. इस तरीके से आप ऑर्टेगा मियाजमेटिक एनालिसिस मॉड्यूल की हेल्प से भी अपने केस का मियाजमेटिक एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको सोरा सिफिलिस साइकोसिस के अकॉर्डिंग अपनी रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है. तो आपकी रेमेडी सोरा सिफिलिस साइकोसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी. अब मैं नेक्स्ट आइकन पे मूव कर रही हूँ, दैट इज रिस्ट्रिक्ट एनालिसिस विद फैमिलीज. आप देखिए इस आइकन पे क्लिक करेंगे, इस आइकन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डिफरेंट फैमिली फिल्टर्स मिलेंगे लाइक मिनरल, केमिकल, प्लांट, एनिमल, पीरियोडिक टेबल, नोजोड फैमिली. सो वन ऑफ द फैमिली फिल्टर आई एम गोइंग टू डेमोंस्ट्रेट, नोजोड फैमिली फिल्टर. मैंने इस पे क्लिक किया. देखिए अब रूब्रिक्स तो वही सेम बिल्कुल वही है जो हमने किए थे, बल्कि हमारा ऑर्टेगा मियाजमेटिक मॉड्यूल भी लग रहा है यहाँ पे. हमारे रूब्रिक सोरा सिफिलिस साइकोसिस और नो ऑर्टेगा टैग के अकॉर्डिंग ही डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन रेमेडीज यहाँ पे चेंज हो चुकी है. रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग रेमेडीज और ग्रेडिंग चेंज हो गई है. यहाँ पे आपको इस टाइम पे बबल नोजोड रेमेडीज डिस्प्ले हो रही है लाइक मेडोराइनम, सोराइनम, ट्यूबरकुलाइनम, लाइसिनम. अब सपोज आपको ये फैमिली फिल्टर अपने एनालिसिस में से रिमूव करना है, यू वांट योर प्रीवियस रेमेडीज बैक, तो आप फिर से साइकिन पे जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट एनालिसिस विद फैमिलीज. इस पे क्लिक करने के बाद आपको रिमूव फैमिलीज लिमिटेशन और हाईलाइट पे जाना है. नाउ यू गेट योर प्रीवियस रेमेडीज बैक. द नेक्स्ट आइकन इज रिस्ट्रिक्ट एनालिसिस फ्रॉम द मैप्स. आप इस पे क्लिक करेंगे, ब्राउज द मैप्स पे जाएंगे. अब आप यहाँ से मैप ब्राउज कर सकते हैं. मैं आपको एक मैप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी, दैट इज बाय डॉक्टर फारूके मास्टर लेक्स इन होम्योपैथी. ये फारूके मास्टर का एक मैप है जिसमें उन्होंने जो मिल्क से रेमेडीज प्रिपेयर होती हैं उनके बारे में बताया है. अब आपको इस लिस्ट में रेमेडीज दिख रही हैं. अब आप ये जो रेमेडीज हैं इनको ओपन करके रीड कर सकते हैं. लाइक आपको लैक लियोनिनम रीड करनी है तो आप लैक लियोनिनम पे एक बार क्लिक करेंगे. लैक लियोनिनम हमारी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है. अब हमें यहाँ पता चलता है कि लैक लियोनिनम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइंग मिल्क. यू विल गेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेशेंट लाइक मस्ट प्रोटेक्ट पोजिशन एज ग्रुप लीडर, लुक आफ्टर फैमिली और ग्रुप, फेलियर मीन्स इंडिग्नेशन एंड ह्यूमिलेशन. यू विल गेट द ड्रीम्स एंड द कंप्लेंट्स. नेक्स्ट है अगर आपको लैक डेल्फिनम रीड करनी है, आपको यहाँ से पता चलेगा लाइक डॉल्फिनम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डॉल्फिन मिल्क्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कॉपरेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग, ऑल्टरनेटिंग विद स्ट्रॉन्ग नीड टू बी फ्री एंड एक्सप्लोर एंड यू गेट द डिल्यूजन्स ऑल्सो. इन द सेम मैनर यू कैन रीड दीज मैप्स एंड एनहेंस योर नॉलेज. नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई एनालिसिस. इस टैब में मेरा एनालिसिस ओपन है. आई एम कमिंग बैक टू माई एनालिसिस. अब नेक्स्ट आइकन जो लास्ट आइकन बच रहा है वो है व्यूज. हमारे सॉफ्टवेयर में आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे. आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अभी हम फुल रिपोर्टरी व्यू में है अभी, इसलिए हमें सारे व्यूज जो सारी रिपोर्टरी है, हम जो अडोनिस से रिपोर्टराइजेशन कर रहे हैं वो फुल रिपोर्टरी व्यू में इस टाइम शो हो रहा है. अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे, अगर आप मिलेनियम व्यू में जाएंगे, मिलेनियम व्यू प्रोग्रेसिव व्यू है. इस व्यू में रेमेडीज जैसे जैसे प्रूव होती रहती है वो इस व्यू में ऐड होती जाती है. आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो रेमेडीज हैं वो मिलेनियम व्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो चुकी हैं. अगर आपको कैंट व्यू देखना है, आप चाहते हैं कि जो रिपोर्टराइजेशन है ये बिल्कुल कैंट रिपोर्टरी के अकॉर्डिंग हो जाए, अडोनिस से हटके इसका व्यू कैंट रिपोर्टरी पे चला जाए, हमने क्लिक किया. अब रूब्रिक्स यहाँ पे कैंट रिपोर्टरी के अकॉर्डिंग सॉल्व हो चुके हैं. ये फीचर बहुत एक्सक्लूसिव है, आप सभी डॉक्टर्स ध्यान दीजिएगा व्यूज का. इसमें डिफरेंट रिपोर्टरीज व्यू है. अब जो रिपोर्टराइजेशन है, जो मैंने 5 रूब्रिक्स लिए थे वो कैंट रिपोर्टरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिपोर्टराइज हो चुके हैं. अब यहाँ पे अडोनिस के थ्रू नहीं है, ये कैंट रिपोर्टरी के अकॉर्डिंग हो चुके हैं. पानियर टू 1843 ये हैनिमन रिपोर्टरी है. अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब रिपोर्टराइजेशन हैनिमन रिपोर्टरी के अकॉर्डिंग हो चुका है. जो रूब्रिक हैनिमन रिपोर्टरीज में है उनके यहाँ पे रेमेडीज आ रही हैं, और जो रूब्रिक नहीं है दैट मीन्स वो बाद में प्रूव हुए हैं, हैनिमन टाइम में प्रूव नहीं हुए थे, तो उनके आगे आपको रेमेडीज डिस्प्ले नहीं हो रही हैं. अगर आपको अपने रूब्रिक अपने रिपोर्टराइजेशन में एनालिसिस में सिर्फ प्लांट रेमेडीज चाहिए, अब यहाँ पे इस टाइम सिर्फ प्लांट रेमेडीज आपको डिस्प्ले हो रही हैं. इस तरीके से आप डिफरेंट फैमिली फिल्टर यूज कर सकते हैं सेम एनालिसिस में. सो दिस वाज ऑल अबाउट रिपोर्टराइजेशन. अब मैं एंड में आपको एनालिसिस सेव करना सिखाऊंगी. एनालिसिस को सेव करने के लिए देखिए, वी हैव दिस एनालिसिस आइकन इन द आइकन बार और टूल बार. क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन नेक्स्ट टू दिस एनालिसिस आइकन, सेव करंट एनालिसिस.
Save current analysis to a new patient. Now write down the first name and last name of your patient. Suppose मेरे patient का first name है रूपाली कुमारी. आप सेव बटन प्रेस करेंगे, एनालिसिस रूपाली कुमारी के नाम से सेव हो चुका है. अब आपने जैसे ही यहाँ पे अपना एनालिसिस को सेव किया, ये ऑटोमेटिकली आपके पेशेंट मैनेजमेंट आइकन में रजिस्टर हो चुका है. सर्च फॉर अ पेशेंट, इस सर्च बार में आप टाइप करेंगे रूपाली कुमारी, यहाँ पे आ चुका है. द सॉफ्टवेयर इज दैट मच फास्ट, फ्लेक्सिबल, कन्वीनियंट. एज सून एज यू सेव्ड योर एनालिसिस, इट विल ऑटोमेटिकली गेट रजिस्टर्ड इन योर पेशेंट मैनेजमेंट आइकन. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिपोर्टराइजेशन. पहले मैंने आपको सबसे पहले 5 आइकन्स का एक जनरल ओवरव्यू दिया था, उसके बाद मैंने एक डमी केस सॉल्व करके दिखाया जिसमें मैंने आपको ऑर्टेगा मियाज्मेटिक एनालिसिस टूल यूज करके दिखाया, फैमिली फिल्टर्स यूज करे और हमने डिफरेंट रिपोर्टरी व्यूज का यूज करा. एंड में मैं आपको सर्चेस के बारे में बताऊंगी. इस टैब में मेरा सर्च आइकन ओपन है, इस पर मैंने क्लिक किया एंड आई एम कमिंग बैक टू माय एडवांस सर्च. अब मैं सारे सर्च बार क्लोज कर रही हूँ. जो पहला सर्च बार है, सर्च वर्ड इन इंग्लिश, इसकी हेल्प से आप कोई भी चैप्टर, पैथोलॉजी, रूब्रिक, सिम्टम, वर्ड कुछ भी सर्च कर सकते हैं. अभी मैं यहाँ पे कैंसर पैथोलॉजी सर्च करने जा रही हूँ. वेट अ मोमेंट, यहाँ पे हमने फिल्टर यूज कर रखे हैं इसलिए यहाँ पे जो फिल्टर, ये जो हमने पैथोलॉजी को सर्च किया उसके रूब्रिक्स भी उस फिल्टर के अकॉर्डिंग आए हैं. मैं इसको चेंज कर दूंगी, हम फुल रिपोर्टरी व्यू में जा रहे हैं जिससे हमें सारे रूब्रिक्स मिलेंगे. अब मैं इसे फिर से सर्च करूंगी यहाँ पे फुल रिपोर्टरी में. अब आपको सारे रूब्रिक्स मिल रहे हैं सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी में. जो भी रूब्रिक कैंसर पैथोलॉजी पे बेस्ड है, जिस भी चैप्टर में, वो सारे रूब्रिक्स और चैप्टर्स आपको यहाँ पे विजिबल हैं. आप जब भी एडवांस सर्च में सर्च करेंगे तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको और भी रिपोर्टरीज डिस्प्ले होंगी. इसका मतलब ये है कि आप जो सर्च कर रहे हैं आप उसको फिल्टर कर सकते हैं डिफरेंट रिपोर्टरीज में. हमारे पास सॉफ्टवेयर में बियांची रिपोर्टरी है, अभी इस टाइम कैंसर पैथोलॉजी बियांची रिपोर्टरी से ओपन हो गई है. सो दिस रिपोर्टरी इज बेस्ड ऑन कैंसर पैथोलॉजी. इफ यू हैव एनी कैंसर पेशेंट इन योर क्लिनिक और हॉस्पिटल, सो यू कैन रिपोर्टराइज देयर केस विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्टरी एंड गेट अ सुटेबल रेमेडी फॉर योर पेशेंट. देयर इज वन मोर रिपोर्टरी, दैट इज चौधरी एच हिंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. दिस रिपोर्टरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कैंसर रूब्रिक्स, बट इसमें जो कैंसर पैथोलॉजी है वो थोड़ा बोन से रिलेटेड कैंसर पैथोलॉजीज भी आपको इसमें मिलेंगी. सो ये था इस टाइम पे कैंसर पैथोलॉजी जो हमने सर्च करी थी. अब सपोज ये कैंसर पैथोलॉजी आपको किसी पर्टिकुलर रेमेडी से रीड करनी है तो एडवांस सर्च में नेक्स्ट सर्च बार है रेमेडी सर्च बार. इस सर्च बार की हेल्प से आप अपनी रेमेडी को सर्च कर सकते हैं. मैं अभी सल्फर सर्च करने जा रही हूँ. यहाँ पे आपको सिर्फ एब्रीवेशन लिखने हैं सल्फर के. सल्फर आपको नीचे डिस्प्ले होगी, आप एंटर करेंगे. इस टाइम सल्फर यहाँ ओपन हो चुकी है. यू विल गेट ऑल द कैंसर रूब्रिक्स ऑफ सल्फर फ्रॉम सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी बाय डिफॉल्ट. आपको ये कैंसर पैथोलॉजी, सल्फर रेमेडी की कैंसर पैथोलॉजी आपको इस टाइम मर्फी से रीड करनी है. तो ये मर्फी से ओपन होगी. यू विल गेट ऑल द कैंसर रूब्रिक्स ऑफ सल्फर फ्रॉम मर्फी रिपोर्टरी. इफ यू वॉन्ट टू रीड दिस रेमेडी फ्रॉम केंट रिपोर्टरी, यू विल गेट द कैंसर रूब्रिक्स ऑफ सल्फर फ्रॉम केंट रिपोर्टरी. तो बिल्कुल इस तरीके से आप अपनी रेमेडीज को डिफरेंट रिपोर्टरीज में भी ओपन करके रीड कर सकते हैं. सपोज आपको एक और रेमेडी रीड करनी है सल्फर के साथ. सो इन द नेक्स्ट सर्च बार, एज आई टोल्ड यू, वन वर्ड इन वन सर्च बार. सो वन रेमेडी इन वन सर्च बार. आप सेकेंड सर्च बार में अपनी सेकेंड रेमेडी का नाम टाइप करेंगे. मैं लाइको का टाइप कर रही हूँ. अब यहाँ पे सल्फर और लाइकोपोडियम के कंबाइन कैंसर रूब्रिक्स ओपन हो गए हैं. यहाँ देखिए ब्रैकेट में सल्फर और लाइकोपोडियम आपको दोनों रेमेडीज डिस्प्ले हो रही हैं और यहाँ कैंसर पैथोलॉजी का नेम आपको डिस्प्ले हो रहा है. यहाँ दोनों के कैंसर रूब्रिक्स जो है वो कंबाइन ओपन हुए हैं. सपोज यू डोंट वॉन्ट टू रीड दम कंबाइनली, आप अपनी रेमेडीज के बीच में डिफ्रेंसिएशन करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू रीड दम सेपरेटली, तो उसके लिए आप रेमेडीज कंट्रोल प्लस है इस आइकन पे क्लिक करेंगे. इस आइकन पे क्लिक करते यू विल गेट दीज फोर फाइव ऑप्शन ऑन योर मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन. आई एम गोइंग विद द थर्ड वन. आप सभी डॉक्टर्स एक बार इसको केयरफुली रीड करेंगे. दैट इज सिम्टम्स फॉर ईच रेमेडी इंडिविजुअली. इस पे क्लिक करते ही देखिए हमारी दोनों रेमेडीज का डिफरेंसिएशन हो चुका है. फर्स्ट
फर्स्ट टैब में लाइको के कैंसर रूब्रिक्स आ चुके हैं, लाइको के सारे कैंसर रूब्रिक्स आ गए हैं यहाँ पे। सेकंड टैब में सल्फर के कैंसर रूब्रिक्स आ चुके हैं, दोनों रेमेडीज इस टाइम डिफरेंट टैब्स में डिफरेंशिएट हुई है। लाइक फर्स्ट टैब में आपको लाइको के कैंसर रूब्रिक्स मिल रहे हैं, सेकेंड टैब में आपको सल्फर के कैंसर रूब्रिक्स मिल रहे हैं। दोनों ही रेमेडीज बाय डिफॉल्ट अडोनिस रिपोर्टरी से ओपन हुई है, आप चाहें तो किसी और रिपोर्टरी से भी यहाँ से ओपन करके रीड कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब देखिए ये जो रेमेडीज आई कैन है एडवांस सर्च में, इसकी हेल्प से बेसिकली आप एक टाइम पर 10 रेमेडीज को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो वन मोर रेमेडी आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट, दैट इज ग्रेफाइटिस। अब मैं तीनों रेमेडीज को सल्फर, लाइको और ग्रेफाइटिस, इन तीनों रेमेडीज को कैंसर पैथोलॉजी में डिफरेंशिएट ना करके स्किन सेक्शन में डिफरेंशिएट करूंगी। मैंने सर्च वर्ड इन इंग्लिश, अब इस सर्च बार में कैंसर पैथोलॉजी की जगह स्किन टाइप कर दिया है। अब मेरी तीनों रेमेडीज हैं डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। देखिए फर्स्ट टैब में ग्रेफाइटिस के सारे स्किन रूब्रिक्स आ चुके हैं, यू विल गेट ऑल द स्किन रूब्रिक्स ऑफ ग्रेफाइटिस इन द फर्स्ट टैब। इन द नेक्स्ट टैब यू विल गेट द स्किन रूब्रिक्स ऑफ लाइकोपोडियम एंड इन द थर्ड टैब यू विल गेट द स्किन रूब्रिक्स ऑफ सल्फर एंड ऑल द रेमेडीज हैव ओपन फ्रॉम सिंथेसिस अडोनिस रिपोर्टरी बाय डिफॉल्ट। अब सपोज सल्फर रेमेडी की कैंसर पैथोलॉजी आपको बोरिक रिपोर्टरी से रीड करना है, तो इस टाइम यू विल गेट ऑल द स्किन रूब्रिक्स ऑफ सल्फर फ्रॉम बोरिक रिपोर्टरी। अब सपोज आपको लाइकोपोडियम के स्किन रूब्रिक्स क्लार्क क्लिनिकल रिपोर्टरी से रीड करने हैं, लाइको इस टाइम क्लार्क से ओपन हो चुकी है। सो इन द सेम मैनर यू कैन डिफरेंशिएट योर रेमेडीज इन मल्टीपल रिपोर्टरीज। अभी जो तीन रेमेडीज हैं सल्फर, लाइको, ग्रेफाइटिस, अभी इनके स्किन सिम्टम्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सपोज यू वांट द रूब्रिक्स, सॉरी यू वांट द सिम्टम्स, अभी यहाँ रूब्रिक्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, नाउ यू वांट द सिम्टम्स इन प्लेस ऑफ रूब्रिक्स, तो आप अपनी रेमेडीज को मटेरिया मेडिकल सेक्शन में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना है, सर्च इन ऑल रिपोर्टरीज। आप जैसे ही सर्च बार पे क्लिक करेंगे, देखिए हम अभी ऑल रिपोर्टरीज में, दैट्स व्हाई वी हैव रिपोर्टरीज इन दिस टेबल ऑफ कंटेंट एंड अवर रेमेडीज गेट डिफरेंशिएटेड इन रिपोर्टरी सेक्शन। इफ यू मूव इन ऑल रेफरेंसेस फ्रॉम ऑल रिपोर्टरीज, आई एम गोइंग टू मूव इन ऑल रेफरेंसेस सेक्शन। आप ऑल रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, नाउ यूल गेट मटेरिया मेडिका इन दिस टेबल ऑफ कंटेंट इंस्टेड ऑफ repositories, in place of repositories basically you will get the materia medica and your remedies will differentiated in materia medica section. अब ये डिफरेंशिएट बल्कि हो चुकी हैं। सो इन द फर्स्ट टैब यू विल गेट द स्किन सिम्टम्स ऑफ ग्रेफाइटिस, नाउ यू विल गेट द सिम्टम्स इन प्लेस ऑफ रूब्रिक्स। इन द सेकंड टैब यू विल गेट द स्किन सिम्टम्स ऑफ लाइकोपोडियम एंड इन द थर्ड टैब यू विल गेट द स्किन सिम्टम्स ऑफ सल्फर। All the remedies have opened from physical examination and observation in homeopathy materia medica by default. Suppose sulfur ke skin symptoms aapko Allen se read karne hai. Sulfur is time Allen Timothy primer of materia medica se open ho chuki hai. Lyco ke skin symptoms ko aap boric se read karna chahte hain. Lycopodium is time boric se open ho chuki hai. Lyco ke skin symptom boric se open ho gaye. Graphitis ko main bird se open kar rahi hu. Bird William physiological of materia medica. Is time bird ग्रेफाइटिस के स्किन सिम्टम बर्ड विलियम फिजियोलॉजिकल मटेरिया मेडिका से ओपन हो चुके हैं। सो इन द सेम मैनर यू कैन डिफरेंशिएट योर रेमेडीज इन रिपोर्टरी सेक्शन एज वेल एज इन मटेरिया मेडिका। सो दिस वाज ऑल अबाउट रडार ओपस सॉफ्टवेयर फ्रॉम माय पार्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी फीचर फंक्शन आइकन, सो यू कैन आस्क मी। हमारा सेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, जहाँ मैंने सेशन का पूरा एक ओवरव्यू दिया है आपको। पहले मैंने आपको 5 आइकन्स का इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने एक डमी केस सॉल्व करके दिखाया, एंड में मैं आपको सर्चेस के बारे में बता चुकी हूँ। अब आपकी कोई भी क्वेरी है किसी फीचर फंक्शन आइकन को लेके या फिर रडार ओपस सॉफ्टवेयर को लेके, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर परथा, आपका क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, हाउ कैन आई रिपर्टराइज एंड सेव फॉर द सेम पेशेंट इन सब्सिक्वेंट विजिट। यस, देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, हम फॉलो अप क्रिएट करेंगे। अभी मैं सारे टैब क्लोज कर क्लियर कर रही हूँ। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्लिपबोर्ड पे क्लियर ऑल क्लिपबोर्ड्स पे जाएंगे, सारे क्लिपबोर्ड क्लियर हो चुके हैं, मैं सारे टैब क्लोज कर रही हूँ। हम पहले पेशेंट मैनेजमेंट आइकन पे जाएंगे, आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट टू दिस पेशेंट मैनेजमेंट आइकन क्रिएट अ न्यू पेशेंट। हम ह्यूमन केस के एडमिनिस्ट्रेटिव पे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आप यहाँ पे अपने पेशेंट की डिटेल फिल करेंगे, जैसे पेशेंट का कुछ भी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप यहाँ टाइप करेंगे, फिर आप कंसल्टेशन पे जाएंगे। अगर आप कंसल्टेशन
पे जाते जा रहे हैं, सपोज मेरे पेशेंट का कोई भी सिम्टम है, पेशेंट को पेन है, पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन, पेशेंट को एग्रावेशन है एम्प्टी स्टमक, कि पेशेंट का फर्स्ट विजिट में मेरे पास सिम्टम था। अब इसी सिम्टम के अकॉर्डिंग मैं केस का रिपोर्टराइजेशन करूंगी, रूब्रिक्स ऐड करती जाऊंगी। अब पेशेंट नेक्स्ट विजिट में मेरे पास आता है, तो उसके लिए हमें ऐड ए न्यू कंसल्टेशन पे जाना है, ये हम फॉलो अप बनाएंगे। लास्ट कंसल्टेशन सेकंड, अभी हमारा सेकंड कंसल्टेशन आ चुका है। अब पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा है, तो उसको बर्निंग है, बर्निंग इन ईसोफेजियल रीजन। आप यहाँ पे टाइप करेंगे बर्निंग इन ईसोफेजियल रीजन, एग्रेवेशन है उसको स्पाइसी फूड से। ये हमारा सेकंड फॉलोअप हो गया। अब इसके सिम्टम्स अगर जब पेशेंट नेक्स्ट फॉलोअप में आया है, जब मैं पहला वाला अपना कंसल्टेशन ओपन करूंगी, देखिए अगर मुझे अपने फर्स्ट कंसल्टेशन पे जाना है, ये हमारा सेकंड कंसल्टेशन हो चुका है। अब हमें फिर से एक न्यू कंसल्टेशन क्रिएट करना है, थर्ड वन। अब यहाँ पे थर्ड कंसल्टेशन आ गया, थर्ड कंसल्टेशन में पेशेंट को रिलीफ आ चुका है, रिलीफ इन प्रीवियस सिम्टम्स, नो अदर न्यू सिम्टम, वो हमने सब टाइप कर देंगे यहाँ पे। अब सपोज मुझे अपने फर्स्ट फॉलोअप पे जाना है, मेरा फर्स्ट फॉलोअप यहाँ पे ओपन हो चुका है। जब पेशेंट मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ डेट और टाइम आपको मिलेगा, उसकी प्रॉब्लम थी पेन इन एपिगेस्ट्रिक रीजन। उसके बाद फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो एरो है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये सेकंड कंसल्टेशन ओपन हो गया है। सेकंड कंसल्टेशन की डेट और टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा कंसल्टेशन मिलेगा। और थर्ड कंसल्टेशन में ये इस तरीके से आ गया है। यहीं पे आप प्रिस्क्रिप्शन भी बनाते जाएंगे। देखिए फर्स्ट कंसल्टेशन का जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगा, सपोज मैंने बैलेट होना दी थी अपने पेशेंट को, नेक्स्ट विजिट में डेट और टाइम या ऑटो जनरेटेड आ जाएगा, जो भी आप रेमेडी दे रहे हैं। अब जिस तरीके से ये फॉलोअप और प्रिस्क्रिप्शन बन गए हैं, उसी तरीके से एनालिसिस हो जाएगा। देखिए जैसे मेरा कोई पेशेंट आता है, तो मैं तो उस टाइम पे यही करती हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट फॉलोअप है, फर्स्ट फॉलोअप का केस मैंने फर्स्ट टैब में रिपोर्टराइज कर लिया, फर्स्ट क्लिप बोर्ड में रिपोर्टराइज कर लिया पूरा केस। अब जब सेकंड टाइम आया है पेशेंट, अगर पेशेंट के सिम्टम्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो मैं सेकंड क्लिप बोर्ड का यूज करती हूँ। मल्टीपल क्लिप बोर्ड ही इसीलिए है कि जब हम फॉलोअप बनाएं, तो अपने फॉलोअप को मल्टीपल क्लिप बोर्ड में यूज करें। लेकिन अगर मुझे लगता है कुछ सिम्टम्स अभी भी वैसे ही है, बस एमलोरेशन और एग्रावेशन मोडालिटीज में थोड़ा डिफरेंस आया है, तो आप फर्स्ट क्लिप बोर्ड में भी अपने रूब्रिक्स को ऐड कर लेंगे और वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। और नहीं तो अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो मल्टीपल फॉलोअप में मल्टीपल क्लिपबोर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं और क्वेरीज अब लेने जा रही हूँ। हाउ टू सर्च प्रीवियस पेशेंट एंड इट्स रिपोर्टराइजेशन। वे एक मिनट, डॉक्टर सैयद का एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ। मैं वैसे सारे केसेस का रिपोर्टराइजेशन ही करती। चलिए रौनक का केस है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ। लेट मी क्लोज ऑल दीज टैब्स, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं रौनक का केस ओपन कर रही हूँ। मैंने रौनक पे क्लिक किया, तो ये कंफर्मेशन विंडो आ रही है, जो मुझसे पूछ रही है कि मुझे रौनक का रिपोर्टराइजेशन भी देखना है। मैं येस पे प्रेस करूंगी। अब यहाँ पे मैंने एनालिसिस तो कुछ बनाया नहीं था, क्योंकि ये भी केस मैंने रिपोर्ट डेमो के टाइम पे रिपोर्टराइज किया था। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस देखिए, मेरे रौनक का पूरा ओपन हो चुका है। ये रौनक के सिम्टम्स थे जो यहाँ पे आ चुके हैं। इस तरीके से आप अपने प्रीवियस रिपोर्टराइजेशन को ओपन करके रीड कर सकते हैं, और जो कंसल्टेशन आपने बनाया था, वो भी कंसल्टेशन यहाँ पे बन जाएगा। अब आप फॉलो अप ऐड कर लेंगे, आपको कोई न्यू सिम्टम ऐड करना है, तो आप इस क्लिप बोर्ड में भी ऐड कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लिप बोर्ड का यूज कर सकते हैं। डॉक्टर परेश, आप पूछ रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट सिंगल मेडिसिन रूब्रिक्स। मैं बताती हूँ आपको। अच्छा है आप डॉक्टर्स क्वेरी कर रहे हैं, जिससे और डॉक्टर्स के लिए भी लर्निंग रहेगी। ये सिंगल रेमेडी रूब्रिक के लिए सबसे पहले हम रेमेडीज आइकन पे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको सर्चेस के थ्रू बता देती हूँ। हम एडवांस सर्च पे जाएंगे, ये सर्च आइकन है, इसके साइड में जो ड्रॉप डाउन है, आप उस पर क्लिक करेंगे, एडवांस सर्च पे जाएंगे। सपोज हमें पल्स सिटिला के सिंगल रेमेडी रूब्रिक देखने हैं, आपको सिर्फ पल्स का एब्रीवेशन टाइप करना है। पल्स सिटिला नीचे ही आपको डिस्प्ले हो रही है, आप इस पर एंटर करेंगे। अब पल्स यहाँ पे मेरी मेन डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे ये रेफरेंसेस में ओपन हुई है, क्योंकि अभी हम डिफरेंसिएशन रेफरेंसेस में कर रहे थे। मैं ऑल रिपोर्टरीज में कर रही हूँ।
देखिए अब यहाँ पल्सेट इलाके सारे रूब्रिक्स हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, पल्स के साथ हमें और भी रूब्रिक्स और भी रेमेडीज दिख रही हैं यहाँ पे, जैसे 81 रेमेडीज हैं, माइंड इवनिंग, माइंड एब्सेंट माइंडेड, यहाँ पे इस टाइम पे हमें और भी रेमेडीज दिख रही हैं, 377 रेमेडीज और हैं। अब हमें सिर्फ पल्स की ही सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए पल्स के सामने आपको एक ब्लू आइकन दिख रहा है, आप इस ब्लू आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगी, ऑप्शन फॉर रेमेडी पल्सेटेला पैराटेंसिस। अब यहाँ पे डिग्रीज हैं, हमें डिग्री तो सारी इस टाइम पे चाहिए, वी वांट ऑल द डिग्री, वी वांट ऑल द रूब्रिक्स, बट वी वांट सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स। तो हम रूब्रिक कंटेनिंग इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे वन है, दैट मीन्स हमें सिर्फ पल्सेट इलाके एग्जैक्टली वी वॉन्ट एग्जैक्टली वन रूब्रिक, वी वॉन्ट एग्जैक्टली वन रूब्रिक ऑफ पल्सेटेला जो हमें सिंगल रेमेडी मिले, आप इसे एग्जैक्टली कर देंगे। अगर आपको पल्स के साथ मोर देन 10 चाहिए, लेस देन 10 चाहिए, तो उनके आप यहाँ पे काउंटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने वन किया है क्योंकि मुझे पल्स सर्च करनी है, सिंगल रेमेडी और एग्जैक्टली सेम रूब्रिक्स चाहिए। आप ओके प्रेस करेंगे, अब देखिए यहाँ पे पल्सेट इलाके मैंने जैसे ही एंटर किया, पल्सेट इलाके सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स आ चुके हैं। अब जैसे मैं ये रूब्रिक है, माइंड चैप्टर से एंजाइटी हॉट एयर एज इफ इन, अब आप इस रूब्रिक पे यहीं पे दो बार क्लिक करेंगे, ये रूब्रिक डायरेक्ट रिपोर्टरी में ओपन हो चुका है। देखिए हॉट एयर माइंड एंजाइटी हॉट एयर एज इफ इन, इसके आगे सिर्फ आपको पल्सेटेला दिख रही है। इस तरीके से आप सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स को सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर वैशाली आपका क्वेश्चन है, हाउ टू डिलीट अ सिम्टम फ्रॉम द एनालिसिस चार्ट। ये काफी इजी है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए एनालिसिस यहाँ पे ओपन है। अब ये मुझे ये सिम्टम है ज्योनिटीज चैप्टर से फूड एंड ड्रिंक चॉक डिजायर, ये सिम्टम डिलीट करना है, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, आपको नीचे सबसे नीचे बिलो में आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। You have selected to delete one rubric. Are you sure you want to delete these rubric? आप yes पे प्रेस करेंगे, देखिए रूब्रिक यहाँ से डिलीट हो गया। इस तरीके से आप अपने रूब्रिक्स को डिलीट कर सकते हैं। और अगर किसी डॉक्टर की कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और डॉक्टर वैशाली अगर आपको पूरा ही क्लिपबोर्ड क्लियर करना है तो मैं आपको जैसे बताया, आप क्लिपबोर्ड पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्लियर दिस क्लिपबोर्ड पे जाते ही देखिए क्लिपबोर्ड यहाँ से क्लियर हो गया है। एनालिसिस में से डिलीट करना है तो राइट क्लिक करते ही आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं वेट कर रही हूँ, अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप कर देंगे। ओके नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस प्रेजेंटेशन, प्लीज टेल अबाउट रिवर्स रिपोर्टराइजेशन। डॉक्टर कुलसुम, रिवर्स रिपोर्टराइजेशन के लिए हमारे सॉफ्टवेयर में कोई भी फीचर फंक्शन या आइकन नहीं है, रिवर्स रिपोर्टरी भी हमारे इसमें नहीं है सॉफ्टवेयर में, ये आपको इसमें अवेलेबल नहीं होगा। डॉक्टर अभय, कैन वी ब्रिंग डिलीटेड रूब्रिक अगेन? नो, वो इसीलिए आपसे कंफर्मेशन विंडो में डायरेक्ट आप डिलीट करेंगे तो आपका रूब्रिक डिलीट नहीं होगा, वो आपसे कंफर्मेशन विंडो पे ही पूछेगा कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वो रूब्रिक आपको फिर से नहीं मिलेगा, रूब्रिक एकदम से डिलीट नहीं होगा, उसको वो आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा। डॉक्टर अब्दुल समद आप पूछ रहे हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट 10 रेमेडीज। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे 3 रेमेडीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडवांस सर्च में, बिल्कुल उस तरीके से ही आप यहाँ पे वन रेमेडी इन वन सर्च पर टाइप करते करते 10 रेमेडीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ रेमेडीज डिफरेंशिएट करके दिखा देती हूँ, मैंने अभी डिफरेंशिएट वैसे करी थी। अभी जैसे पल्स है, पल्स के साथ आपको सीपीआ भी सर्च करनी है, सीपीआ के मेंटल रूब्रिक्स भी देखने हैं। Wait a moment, there is some technical problem.
डॉक्टर अब्दुल, जैसे कि अभी मैंने तीन रेमेडीज आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन में अभी करके दिखाई थी, सल्फर लाइको ग्रेफाइटिस, बिल्कुल उस तरीके से हमने तीन लिखी है। आप अलग अलग टैब में और रेमेडीज को भी अगर टाइप करते जाएंगे तो वो ओपन होती चली जाएंगी, बिल्कुल इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट होती चली जाएंगी। 10 रेमेडीज को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली 10 की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी 3, 4, 5 रेमेडीज ही हार्डली बहुत होती है। डॉक्टर वैशाली आप पूछ रही हैं, ओनली डेट ऑफ बर्थ ऑफ पेशेंट कैन बी सेव्ड, व्हाट इफ डायरेक्टली वी वॉन्ट टू पुट द एज ऑफ पेशेंट। नहीं, आप इसमें डेट ऑफ बर्थ ही आपको लिखनी होगी, हम डायरेक्टली एज नहीं लिख सकते इसमें पेशेंट की, आप डायरेक्टली एज नहीं लिखेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ पूरा ही लिखना है इसमें। ठीक है, अगर आप लोगों की और कोई क्वेरी नहीं है तो इस सेशन को फिर मैं यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ, लेट्स वाइंड अप है। आई होप ये सेशन आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग, मैं अभी सेशन को यहीं पर क्लोज कर रही हूँ।